नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। अबू धाबी में जारी T10 क्रिकेट लीग में बुधवार को एक इतिहास बनते बनते रह गया। डेकन ग्लेडिएटर्स और बांग्ला टाइगर्स के बीच खेले गए मुकाबले में इंग्लिश बल्लेबाज टॉम कोहलर कैडमोर ने चौकों छक्कों की जमकर बारिश की। कैडमोर ने विपक्षी गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाया कि विपक्षी टीम का एक भी गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं पाया। हालांकि वो अपने शतक से चूक गए, अपनी इस पारी में उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। टॉम कोहलर कैडमोर ने बांग्ला टाइगर्स के खिलाफ 240 के स्ट्राइक रेट से 39 गेंद पर 96 रन बनाए। कैडमोर ने अपनी पारी में 12 चौके और 5 छक्के जड़े। कोहलर की ये पारी T10 लीग की किसी बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी है। हालांकि वो 4 रन से इस फॉर्मेट का पहला शतक लगाने से चूक गए। बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी डेकन ग्लेडिएटर्स के ओपनर बल्लेबाज टॉम कोहलर कैडमोर ने आते ही विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी। कैडमोर ने मात्र 18 गेंदों पर 50 पूरी कर ली। हालांकि वो पारी के आखिरी ओवर में 96 रन बनाकर आउट हो गए। डेकन ने 10 ओवर में एक विकेट पर 140 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्ला टाइगर्स को श्रीलंकाई स्पिनर बानिंदु हसरंगा के कहर का सामना करना पड़ गया। हसरंगा ने मात्र 2 ओवर में एक मेडन ओवर करते हुए 8 रन देकर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। बांग्ला टाइगर्स की पूरी टीम 8.3 ओवर में 78 रन पर सिमट गई। डेकन ग्लेडिएटर्स ने 62 रन से बड़ी जीत दर्ज की और टॉम कोहलर कैडमोर मैन ऑफ द मैच चुने गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।